हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तड़के वाली दही से आप टमाटर और प्याज का रायता कैसे बना सकते हैं। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर से लिखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रायता हम कैसे बना सकते हैं। जब एक बड़ी कटोरी हमें कर्ड लेना है और उसे अच्छे से फेंट लेना है, ताकि उसमें किसी तरीके का लम्प्स ना रहे। और दो छोटे चम्मच सरसों के तेल लेने हैं, उसको धीमी आंच पर गरम करना है। फिर उसमें थोड़ा जीरा डालना है, आधा चम्मच। फिर बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालना है और उसको थोड़ा पकने देना है। फिर पके हुए तड़के को दही में डाल देना है और उसे ढक दीजिए। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालना है, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर डालना है और फिर इस मिश्रण को अच्छे से चला लेना है। फिर तड़के वाले दही में आपको स्वादानुसार नमक डालना है। फिर आपको एक छोटा टमाटर लेना है बारीक कटा हुआ, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और धनिया थोड़ा कटा हुआ आपको लेना है। फिर आपको कटा हुआ प्याज, टमाटर और धनिया जो आपने दही का तड़के वाली दही तैयार की है, आपको उसमें मिला देना है। तो फ्रेंड्स, तड़के वाली दही से टमाटर और प्याज का रायता बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर से लिखें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।